दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण। तो भाई आज तो बहुत रास्ता भटक रहे हैं यार, पता नहीं यार। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं संतोष सिन्हा, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? आप लोग सब बढ़िया होंगे, उम्मीद है सब कुछ एकदम खैरियत होगा, ब्राइट फ्यूचर होगा। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं बारात में। आपने पहले भी उन्हें व्लॉग में देखा होगा, उनका नाम है राहुल यादव। आज मेरे भाई राहुल यादव की शादी है, मेरे बर्थडे पर, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, मेरे घनिष्ठ, मेरे सखा, तो आज उनकी शादी है। तो आज उनकी शादी से हम जा रहे हैं बारात में उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश पूरनपुर से थोड़े आगे कोई गांव है, तो हम वहां जा रहे हैं। मैंने चेक किया था गूगल लोकेशन में, तो 75 किलोमीटर दूर है, तो सफ़र काफ़ी लंबा है। 75 किलोमीटर यहाँ नहीं होता है, कहने का मतलब खटीमा से रुद्रपुर से भी आगे, तो काफ़ी आगे है। तो बारात अभी निकल जाएगी कुछ थोड़ी देर में, अभी 9 बजा हुआ है, 9:30 बजे तक बारात का यहाँ से निकलना सुनिश्चित बिल्कुल तय कर दिया गया है कि समय से यहाँ से निकलेंगे, तभी तो समय पर वहाँ पहुँचेंगे। फिर वहाँ पर जो भी शादी का जो भी कार्यक्रम होता है, क्रिया अनुसार सफल किया जाएगा। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो भाई ये हमारी धन्नु है, बसंती है, चंपा है, चमेली है, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो यार कल इसमें नुकसान हो गया, मैंने खेत में पार की हुई थी यार, मैंने क्या की थी, मैंने साथ वाले को दी थी। तो पिंटू भैया हमारे ये व्लॉग देख रहे होंगे, तो ये उन्हीं का तोहफा है। बहुत दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, तो यार उन्होंने एक तोहफा दे दिया। खेत में उन्होंने पार किया, पार करने के दौरान यार वहाँ पर मिट्टी थोड़ी नमी वाली थी, तो स्टैंड जैसे ही उन्होंने स्टैंड किया बाइक को, तो स्टैंड करते दौरान जो बाइक है ना, वो बाइक थोड़ी भूमि स्पर्श करने लगी, भूमि को नमन करने लगी, और यार बैक इंडिकेटर जो है ना मेरा लेफ्ट साइड का, वो टूट गया है। तो घर वाले बोल रहे हैं यार, अब समझते हो यार, एज थोड़ी हमारी होगी ना गुंडे मवाली वाली, घर वालों को भी थोड़ा भरोसा नहीं है यार। अच्छा, तो कह रहे हैं बेटा ये सकारात्मक ऊर्जा वाला काम तो नहीं है तुम्हारा, जरूर तुम्हारा ये जिसमें कोई नकारात्मक ऊर्जा लगी हुई तो तुम्हारा इंडिकेटर टूट रहा है। तो घर वालों को यार एक विश्वास नहीं है, देखिए। और चढ़ाने वाली ना मम्मी को वो है, कहने का मतलब ये घी छिड़कने वाली वो लड़की है, देखो आप। तो रुक बेटा, किसी दिन तेरा मैटर होगा ना, मैं अभी तेरे को सपोर्ट नहीं करूँगा, ऐसी तेरी मम्मी को ना और बात 10 की बात को ना 500 में ले जाऊँगा, ठीक है। तो चलते हैं यार विदाउट वेस्ट अपना और तुम्हारा टाइम, तो चलते सीधे यहाँ पे चकरपुर मिलते हैं राहुल भाई के घर में। तो दोस्तों फाइनली यहाँ से बारात निकल चुकी है, और मैं मेरे गांव के एक दादा है ना सुखदेव भैया, तो उनकी गाड़ी भी यहाँ पर आई हुई है बुकिंग के लिए, तो मुझे मिल गए हैं। तो उन्होंने कहा है कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, तो अभी सब लोग आते हैं, जैसे कि बाराती बैठ रहे हैं अन्य गाड़ियों में आप देख सकते हो, और यहाँ से निकलते हैं टाइम के हिसाब से जाएंगे, काफ़ी दूर भी हुआ। और वहाँ पर जो भी यार मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, जो भी रस्में होती हैं, वो भी टाइम के हिसाब से हो जाए तो बढ़िया ही है, फिर हमें शाम को जो भी है ना तो अंधेरा नहीं होगा, और अंधेरा तो होना यार डेफिनेटली है। देखो बारात का काम रात ही में होता है यार, दिन में तो कहाँ हो पाता है, क्योंकि रस्में इतनी होती हैं हमारे हिंदू धर्म में देखा जाए तो, रीति रिवाजें बहुत होती हैं।
अभी फाइनल अभी हम दोस्तों पूरनपुर पहुंच गए हैं और हम यार काफी यार आगे आ गए हैं, जो हमारी डेस्टिनेशन हमारी पीछे है। तो यहाँ पर सभी अननोन पर्सन है यार, जानते नहीं है इस जगह को, इस जगह से अच्छी तरह से परिचित नहीं है। तो अभी हमें पता नहीं है यार कहाँ पे जाना है कहाँ पे नहीं जाना है। तो अभी एक भाई को हमने फोन किया है, तो उससे हमने बोला है कि यार अभी लाइव लोकेशन सेंड करो हमें। अब लाइव लोकेशन वो हमें भेजता है, तो फिर लाइव लोकेशन को देखते हुए जाते हैं यार। तो बारात से हम काफी पीछे हुए थे, वो भी महान दो शख्स की वजह से, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये तो महान शख्स आपको दिख रहे हैं इनकी वजह से हम बारात से पिछड़े गए थे और इनका इंतजार कर रहे थे यार। तो बारात काफी आगे चली गई थी, करना पड़ेगा दोस्त तुम्हारा ये है और तुम्हारे ऊपर मरा जाएगा। तो देखो यार अब खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और यार उत्तर प्रदेश में आके यार काफी अजीब लग रहा है यहाँ पे यार, क्योंकि यार हम धामी सरकार वाले ठहरे और यहाँ पर योगी सरकार दिख रही है हमें। तो कुछ सफाई वफाई देना चाहोगे आप? कुछ नहीं भाई, पहुंच जाएंगे। टैलेंट देखो बड़ी मुश्किल के बाद हम बारात में पहुंच गए हैं यार। तो अभी डांस सिखाएंगे, अभी रोला चलेगा रोला। डांस वांस करने के लिए डीजे भी लगाया हुआ है, तो डांस वांस कीजिए यहाँ पे, कुछ बढ़िया तो फुल एंजॉय है। तो भाई लोगों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है बिल्कुल पूरी, यहाँ पर जितने ही पकवान होते हैं तो खाना ना खाते, डांस वांस तो काफी बहुत दिखा दिया है यार, पूरे थक भी गए हैं, तो खाना ना करते हैं, पेट पूजा करते हैं, फिर उसके बाद देखिए क्या करना है क्या नहीं करना है। और धूप यार यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रही है, उत्तराखंड में इतनी धूप नहीं दिया, जैसे यूपी हमने एंटर किया ना थोड़ा गर्म माहौल रहता ना यूपी में योगी जी का, तो वैसे ही बहुत हमें धूप लग रही है। 2.5 किलो का हार किसी पर, 2.5 किलो का हार। तेरे माथे पे बिंदिया तेरी आंखों में काजल। गाँव भी घूम लिया, भ्रमण कर लिया है, चिड़िया उड़िया भी देख लिए हैं गाँव में। तो वैसे तो यार चिड़िया उड़िया कोई नजर नहीं आई यार, क्योंकि यार धूप बहुत ज्यादा निकली हुई है, तो चिड़िया अभी घोंसले में छिपी होंगी।
तो यहाँ से चलते हैं यार, और बाकी गाड़ियाँ जो है ना वो बारात के साथ आएंगी। हम जो है ना, हम जो आज मेला देखेंगे, क्योंकि यार आज मैंने छुट्टी की है ना भाई, तो मेरी छुट्टी वेस्ट नहीं आनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ से घर जाऊँगा, और घर पहुँचते ही, मतलब घर नहीं जाऊँगा, चकरपुर से मेला थोड़ी दूर है राहुल, जहाँ राहुल दादा घर है ना, वहाँ से मात्र 350 मीटर भी नहीं होगा, मेला इतनी पास में है उन्हें घर से, तो वहाँ मेले ले देखना है यार, छुट्टी की है तो मेले में इंजॉय लेना है थोड़ा बहुत, तो शाम तक पहुँच ही जाएंगे हम मेले में। तो भाई यार तो बहुत रास्ता भटक रहे हैं यार, पता नहीं यार, पागल बनाया यार। रास्ता तो मतलब सही है, जो गड्ढा है कह रहे हो ना बालक लोग, जॉन डियर। तो भाई लोग हम तो पहुंचे घर यार ठीक टाइम से, अभी बारात आई नहीं है, और हम मेले ले घूम के आ गए हैं, चुपके चुपके मेले घूम के आ गए हैं, कुछ दिखाने लायक है नहीं यार वहाँ पे रात में यार, तो हमने दिखाया नहीं। अब दिखाने लायक चीज होता तो दिखाते, आपको भी बोरिंग लगता है यार, अभी रात होनी थी ना, तो इसलिए हमने आपको नहीं दिखाया, तो अब शादी में पहुँच गए हैं। देखिए यार, ढूंढ लाए सारी मासूम सी बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो छक जोरी क्यों ना। तो भाई लोगों मेरे दोस्त यहाँ पर आ गए यार, बहुत गोली इनको चूरन ले रहे थे, महंगा वाला चूरन भाई साहब अध्यापक बन गए यार, ये तो पेन है यार, दिन में तो पेपर सबके होते हैं यार, रात में इसका पेपर हो रहा है, इसलिए मैंने नंबर किसमें देना है, 2000 के नोट नहीं, सारी नोट में 500 रुपए। आप इन्हें तो पहचानते होंगे दीपक भैया हमारे, और इनको भी आपने देखा होगा, लेकिन नए नए चेहरे इनको आप पहली बार देख रहे होंगे, तो आज यार में डांस देखना इनका भी सभी का डांस देखना, गली मोहल्ला की पूरी डांस। ये ज़माना कैसे करेगा मुझे नजरअंदाज, क्या कहने ज़माना कैसे करेगा मुझे नजरअंदाज, गली गली मेरे दुश्मन, गली गली मेरे दोस्त।
दीदी ने मुझे 500 रुपए दिए मिला देखने के लिए। ये देखिए मेरी दीदी, दीदी प्रणाम, नमस्ते दीदी को। और वो जीजा जी भी आए हैं उनके साथ, और ये उनका एक नालायक बच्चा है जो हमारे घर में रहता है। बहुत नालायक बच्चा है, कहती मर भूखा है एक नंबर का, इतना झूला झूलता है ना इसका पेट नहीं भरता भाई। सब हथौड़े वाले झूले में ना अच्छी अच्छी की हो जाती है पॉइंट, लेकिन ये हथौड़ा वाला झूला इसका फेवरेट है। बस इसको कंपनी चाहिए कोई झूलने वाला चीज के साथ में। और मम्मी मम्मी कितने रुपए दे देना यार, कुछ यार गला पानी है देना दे। बेसी और का यार, सब तो अपने बच्चों को पैसे दे रहे हैं मेला वाला दिखनता है, और तुम यार कभी बहुत बेकार आदमी हो, बेशरम इंसान होगा। इधर से मिल गया दे रहा हूँ ले, ऐसे देगी। अरे यार भयंकर भाई साहब, एक शेर एक सवाल से लाओ लाओ जल्दी जन्म दे दिया। चलो चलो दे दीजिए, चलो ला जल्दी ला दीदी, दे दो रे सब। दीदी के क्यों दे दो सब यार भयंकर, सब भाई के दिखाई का मिला ना ले क्या भाई, ना तो मेरी ऑडियंस तुम तेरी बहुत बेइज्जती करेगी। जल्दी निकालो, करारे 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 जवान जवान आदमी खर्चना और का यार, जवान जवान लड़का बुड्ढी तू करेगी। हाँ जवान जवान लड़का खर्चा नहीं करेगा तो कौन करेगा, जल्दी बताओ गाइस कमेंट करो। जवान जवान लड़की खर्च ज्यादा करेंगे कि बुड्ढी बुड्ढी बच्चे, बुड्ढी बुड्ढी बच्चे बोला बुजुर्ग लोग ज्यादा खर्चा करेंगे। अरे जवान जवान लड़के ज्यादा खर्चा करेंगे ना गाइस, सही बोल रहा हूँ मैं यार। फिर बेस्ती करवा रही अपनी अंडरवेयर में थू थू ही जाएगी। 200 वाले जमाने गए, 200 वाले ले ला जीत जीत। अच्छे से दिल खोल के दे, दिल खोल। अरे यार मरे मरे मन से पैसा मिल रहा है भयंकर, मरे मरे मन। चल अपनी गाड़ी में जाना तू, 500 मेरी तरफ से जो 1500 जिसकी तरफ से देखो। तो दोस्तों ये पकौड़ी गली, और मैं पकौड़ी गली में पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे मेरे रिश्तेदारों ने दुकान खोली है। रवि चाचू, हेलो चाचू, और इनके ठीक अपोजिट साइड में वो भी थोड़ी पैदान वाले हमारे अंकुल भाई, वहाँ पर वो भी काम कर रहे हैं, चाहे पार्टनरशिप में होंगे तो उन्होंने भी फोन लगी है। और यार आज काफी मतलब गली है ना काफी सूनी सूनी लग रही है देखिए आप, या फिर लोगों का भी आने का टाइम नहीं हुआ होगा, या फिर उनको फ्री टाइम नहीं होगा। तो चाचू एकदम बढ़िया करके ठीक है, मिर्च वाली मेरे लिए, मिर्च वाली मसाले। संजू भाई राम 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 राम। तो भैया ये आ गई हमारी पकौड़ी, और मैं तो पकौड़ी खाऊंगा, और वो देखेगी चटोरिया, चटोरी रहेगी बेचारी, रहेगी रहेगी ले। हाँ दिखा दिखा, अंशु को दिखा, ले 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 ले।